शिव महापड़ ग्रंथ में पंचाक्षर मंत्र की बहुत सुंदर महिमा कही। कोई मनुष्य सभी विद्वता को प्राप्त न कर सके, परंतु पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सभी विद्याओं का बीज है, सभी मंत्रों का उद्गम स्थान है, जो आदि मंत्र जो अनादि है, भगवान शिव के मुख में से प्रकट हुआ ये मंत्र है। इसलिए जो कोई मनुष्य पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ये मनुष्य आदि व्याधि उपाधि में से, ताप संताप में से वो मनुष्य मुक्त रहेगा। इसलिए शिव महापण कथा सुनकर हम सभी इस बात को समझ सकते हैं, जिन मंत्र अक्षर पांच है उसको पंचाक्षर कहा जाता है। लेकिन हमारी सनातन की श्रेष्ठ परंपरा है, तो कोई भी मंत्र हो उनके आगे जहां तक ओम नहीं रहता वहां से के मंत्र अधूरा है। मंत्र की पूर्णता अकार उकार मकार से रहती है, ओमकार से मंत्र पूर्ण रहता है। इसलिए हम पंचाक्षर मंत्र को षडक्षर मंत्र कहते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा, सर्व श्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षरम, षडक्षर मंत्र का जाप करें। जिनको हम नमः शिवाय नहीं पर ओम नमः शिवाय कहते हैं, ये मूल मंत्र है, ये सभी मंत्रों का उद्गम स्थान है, ये सभी मंत्रों का जन्म स्थान है।